महाद्रबाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन हरिद्वार की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपने 7 मांगों को पूरा किए जाने की अपील की गई है। आज जनपद की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जिला कार्यालय रोशनाबाद स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने के लिए पहुंची, परंतु जिलाधिकारी के न मिलने से गुस्साई कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क जाम की। उनकी मांगों में मासिक मानदेय 1800 रुपए करने और 15 वर्ष की सेवा करने पर मानदेय बढ़ाया जाए, रिटायर होने पर 2,00,000 रुपए दिए जाएं, गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उच्चीकरण की राजाज्ञा शीघ्र जारी की जाए, सेवानिवृत्त होने पर 1 माह में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए, पोषण ट्रैक्टर द्वारा वेरिफिकेशन न किया जाए आदि मांगे शामिल है। ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष निर्देश, ब्लॉक उपाध्यक्ष मेहर बानो, परियोजना अध्यक्ष उषा रानी, सच्ची किरण, ब्लॉक अध्यक्ष लक्सर नीलम, जिला सचिव शबनूर जहां शामिल रही। सर मेरा नाम रूबी है, रूबी कार्यकर्ती आंगनवाड़ी। अच्छा, अभी धामी सरकारी कार्यकर्ता को बोल दिया था कि विदाउट आना है, ड्रेस में नहीं आना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कभी कोई आंगनवाड़ी वहाँ जाकर धरना कर ले तो वहाँ जा कुछ नहीं हुआ। वहाँ उनकी वाह हो रही थी कि महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। उनका प्रोग्राम ये था कि महिलाओं को दिखाना कि महिलाओं की इतनी योजनाएं, महिलाओं के लिए हमने इतनी योजनाएं चला रखी हैं। हमारा वहाँ कुछ नहीं हुआ, गए और आए। तो भी यहाँ धरना प्रदर्शन, यहाँ हमारी मांगे हैं, हमारा मानदेय 18,000 करो, पर डे हमारा 600 रुपए। फिलहाल कितना है? हमारा 9,300 बोल रखा, 9,200 मिलता है हमें, और 100 रुपए हमारे अंशदान के लिए कटते हैं जो हमें रिटायरमेंट के टाइम देते हैं, पर अभी तक जो बहने रिटायर हुई उन्हें किसी को नहीं मिला। सर आपकी मांगे पूरी नहीं हो, हमने फोन का काम कर दी, काम बंद कर दिया पोषण ट्रैकर का, अब कार्य बहिष्कार होगा, बिल्कुल केंद्र बंद होंगे। तो ऐसी सरकार को नहीं, मेरा नाम मीरा रानी है। क्या कुछ कहेंगे आज? मैं जी क्या कुछ कहूँ, बहुत कुछ कहूँ और क्या ना कहूँ, इतना कहूँ कि कम पड़ जाए सरकार को भी, बहुत कुछ कहने को है। पर बहुत अच्छी है, बहुत करिया, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई है, उन्होंने हमारा कुछ भी, कोई पैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाया। ये 300 रुपए की, 250 रुपए की मजदूरी पे कौन आज काम करता है? बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सुख दुख भी है, मरना जीना भी है, सभी काम करती हुई आंगनवाड़ी काम, 9 बजे से 1 बजे तक का स्कूल दिया गया है आंगनवाड़ी को, उसके बावजूद सुबह 6 बजे के रात के 11 बजे तक एक आंगनवाड़ी काम करती है। बीच बीच में निर्वाचन का कार्य है, डोर टू डोर का किया जाता है, BLO का काम किया जाता है, मरने जीने का काम किया जाता है, पशु गणना की जाती है, गर्भवती महिलाओं को सब A to Z सर्वांगीण विकास बच्चों का किया जाता है। लॉकडाउन में हमने काम किया है, कोरोना में, इतना कोरोना में अपनी अपनी जान के लाले पड़े थे, हमारे ऊपर इतने लोग झूमे हुए थे, हमने ऊप नहीं किया, हमने फिर भी सरकार का साथ दिया। किसी भी बहन ने, किसी सरकार ने हमारा कोई इसकी सूचना नहीं मिली। केवल कोरोना में हमने 2 साल काम किया, केवल हमें 1,000 रुपया हमारे मुंह पर मार दिया और हमें भगा दिया। हाँ जी, अनदेखी है, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, वो झगड़ा नहीं करनी चाहती, ये मातृशक्ति है, प्रेम से सद्भावना से जो काम हो जाए करना चाहते हैं, सभी को हो जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसका रूप सरस्वती भी है और इसका रूप काली भी है। तो ऐसी अगर पड़ी, हाँ जी, दोबारा नहीं चुनेंगे, अगर हमारा नहीं कुछ हुआ तो नहीं चुनेंगे, अगर इन्होंने हमारी सुनी। बहुत बड़ी मांग नहीं है, केवल 600 रुपए पर डे और 18,000 रुपए हमारे महीने के, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है सरकार के लिए। एक अगर मंत्री बनता है उसके लाखों में रुपए, कई कई लाख रुपए बढ़ते हैं महीने के, उनका आने जाने का खर्चा बढ़ता है, हमारा क्या है? जो हमें 9,000 सरकार देती है ना, वही हम तहसील में पूरा कर देते हैं भैया, जाने में तहसील में 10 बार बुला रहे हैं, रोशनाबाद आना पड़ रहा है, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है मीटिंगों में, रिटायरमेंट पे भी कुछ नहीं है, बुढ़ापे में तो बच्चे नहीं देखते। सबसे बड़ी मांग हमारी एक हो रहा सर,
देखो जो लड़कियां सुपरवाइजर बनेंगी बनेंगी, हमें उन्हें तहे दिल से उनका शुक्रिया बहुत से उनके लिए धन्यवाद है, उनके लिए अच्छी कामना हमारे लिए बने सुपरवाइजर। लेकिन जो लड़कियां 58 की 57 की हो चुकी हैं, पूरी जवानी तो गला दी आंगनबाड़ी में उन्होंने, सारा अपना सहयोग करके कम से कम उनकी उम्र 65 साल की जाए, उन्हें कुछ जाते जाते कुछ तो मिले। अब जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उसमें हमारा कोई वेतन नहीं था, ना ही हमारा कोई रिटायरमेंट था। अगर हम उस बात को लेकर के आज धरना सरकार तक डाल देना तो सरकार भी लेगी और हमारे रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर शक्ति भी है करने की, काम करने की हिम्मत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बहनों को रिटायर कर दिया जा रहा है। कोई बहन ऐसी है जिसके पास एक वक्त का खाने को भी नहीं है, यानी कि एक ही बहन का, हर एक महिला का, हर एक औरत के बारे में हम सोचना चाहते हैं। किसी के बेचारे का दिया भी इसी घर से जलता है। जो आंगनबाड़ी थी यहाँ पे, हाँ जी, जिले भर की है, पूरे जिले भर की है। हम सरकार से ही हाथ जोड़ कर फिर भी दोबारा से नम्र निवेदन करते हैं कि कम से कम 18,000 की मांग और इन्हें 65 साल कम से कम इन्हें काम करने का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया जाए। बस इसके साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रितेश चौहान है। जो आप डीएम, आज हमारा मानदेय को लेकर और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम जिलाधिकारी मोदी को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, लेकिन वो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हमारे लिए समय नहीं है। क्यों नहीं मिल पा रहे, क्या वजह? हो सकता है नारी शक्ति कमजोर पड़ रही है उनके सामने जी। तो क्या आप नहीं? क्यों? जब हमारा शोषण हो रहा है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं उससे? जिस सरकार, जो सरकार हमारा बिल्कुल मानदेय बढ़ाने को तैयार नहीं है, काम का बोझ हमें ऐसे लाद रखे हैं बिल्कुल कि आंगनवाड़ी को बिल्कुल धरातल से मिटा दो। मानदेय कितने रखते हैं? मानदेय इस टाइम 9,300 रुपए मिलता, क्या होता, किसका घर चलता है बताए? हमारी 18,000 की मांग है। हम चाहते हैं कि हमारी मिनी आंगनवाड़ी बहनें उनका उच्चीकरण जल्दी से हो और हमें गोल्डन कार्ड जारी किए जाए और जो हमारी बहनें हैं रिटायरमेंट होने पर उनका जल्दी ही जो सेवानिवृत्ति का पैसा उन्हें 2 माह के अंदर जरूर मिल जाए। हर बार सरकार से विनम्र निवेदन करते आ रहे हैं, बार बार 5 तारीख को भी हमारा देहरादून राजधानी में धरना था, तब भी सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में आंगनवाड़ियों की भीड़ हर जगह इकट्ठी कर रही है ये सरकार। अब लोग क्या उसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आंगनवाड़ियों में इतनी शक्ति है, अगर वो चाहे तो इस सरकार को बदलने की क्षमता रखती है अपने अंदर। 5 किलो हमें राशन से क्या मतलब है? राशन हमें 5 किलो में हमारा पूरा पटेगा क्या? हम जनता है, हमको तो मानदेय से मतलब है, जिससे अपना घर चलाना है हमको। क्या केंद्र बंद करेंगे, तालाबंदी करेंगे, निर्वाचन का लोकसभा के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, सभी चीज प्रभावित होंगी इससे।